हेलो फ्रेंड्स, आज इस बोरिंग पराठे को चुटकी से नहीं अपने हाथों से इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक पेड़ा ले, उसको फुलके की तरह पूरी तरह बेल ले। बेलने के बाद उसके ऊपर अपने कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट और फैट के हिसाब से घी लगाएं। उसके ऊपर काली मिर्च और स्वाद के हिसाब से नमक डालें। नमक के बाद थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो, जो पिज्ज़ा के साथ फ्री मिलती हैं। चाकू के साथ इसके ऊपर ऐसे लाइनें मार लें, उसको लाइनें मार के कट कर लें रोटी को। उसके बाद इसको ऐसे रोल करना है जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। ज़रूरत नहीं है परफेक्शन की, जैसा है चलेगा। इसको रोल कर ले, रोल बना के पेड़ा बना ले। पेड़ा बनाने के बाद इसको बेल ले, एक परांठी बना ले जैसे कि हम रेगुलर परांठी बनाते हैं। बनाने के बाद तवा हाई फ्लेम पे करके तवे के ऊपर डाल दें। कुछ सेकंड्स के बाद आप देखोगे कि जो परांठी है वो फूलनी शुरू हो गई है। उसके ऊपर घी लगाएं अपने स्वाद के हिसाब से, उसको अच्छे से सेक लें। थोड़ी देर बाद ही देखें, कुछ सेकंड्स बाद ही जो परांठी है आपकी फ्लेकी होनी शुरू हो जाएगी, पूरी जो उसकी लेयर्स है खुलनी शुरू हो जाएगी, मुँह में पानी आना शुरू हो जाएगा। आप वेट नहीं कर पाएंगे कि कब इस परांठे को खा पाएँ। जैसे ही ये परांठा अच्छी तरह से सिक जाए, किसी भी नैपकिन बटर पेपर किसी में भी लेके इसको जैसे मैंने दिखाया है ऐसे क्रश कर लें। क्रश करने के बाद देखेंगे कि लेयर्स खुल गई हैं और ऐसा कुछ दिखेगा आपका परांठा। इसको बटर के साथ, किसी भी सब्जी के साथ, दाल मखनी पनीर के साथ खाएं और ये स्लो मोशन में भी देख लें। थैंक यू सो मच गाइज़।